हे आत्मन, जरा सोचो तो सही, जिनके एक दर्शन मात्र के लिए भक्त अपना सिर काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, राजा राजगद्दी को छोड़ जंगल में जाकर तपस्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को पाकर तुम कहीं इच्छाओं में उलझ तो नहीं रहे हो? हे आत्मन, सारे कल्प में परमात्मा की संपूर्ण पहचान, उनसे संबंध, मिलन और प्राप्तियों का जो अनुभव है, वह तुम अभी ही कर सकते हो। यह सब जानकर तुम कहीं सांसारिक बातों में ऐसे अमूल्य क्षणों को गवा तो नहीं रहे हो? जरा सोचो, हर परिस्थिति में, हर पल में बाबा साथ देने के लिए तैयार आए? अगर अभी भी परमात्मा का साथ का अनुभव नहीं किया तो कब करोगे? हे आत्मन, भगवान सम्मुख आकर अपना बच्चा बनाकर अतीन्द्रिय सुख, शांति एवं सर्वशक्तियां वरदान और वर्षे के रूप में तुम्हें दे रहा है। फिर भी वह अगर अनुभव नहीं किया तो क्या किया? हे आत्मन, स्वयं भगवान अपना विश्व परिवर्तन का कार्य तुम्हें सिखाकर, शक्तियों से तुम्हें सजाकर अपने समान बनाने चाहते हैं। तो देखो, तुम कहीं छोटी मोटी पद पोजीशन, मान शान, अल्पकाल की भौतिक प्राप्तियों के चक्कर में कहीं भटक तो नहीं रहे हो? ऊंचे से ऊंचा भगवान इतना निरहंकारी है, जब वह स्वयं हम बच्चों को नमस्ते करते हैं, और कहते हैं कि मैं तुम्हारा मोस्ट ऑबीडिएंट सर्वेंट हूं। सोनार हूं, धोबी हूं, यह सुनकर भी तुम्हें निरहंकारी बनने की प्रेरणा क्यों नहीं आती है? हे आत्मन, तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म का बोझ खत्म करने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें सामने आकर श्रीमत दे रहे हैं। फिर भी अगर तुम विकर्म करते रहोगे तो जन्म जन्म के विकर्म का खाता समाप्त कब करोगे?
प्यार का सागर स्वयं भगवान तुम्हें अपना बच्चा बनाकर लाड प्यार और ईश्वरीय पालना दे रहे हैं। अगर अभी भी परमात्मा का प्यार का अनुभव नहीं किया तो कब करोगे? तुम भगवान के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बने हो। अगर मान शान के भिखारी बन अपने नाम को ही आगे करने के लिए सोचोगे तो भगवान के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष कैसे करोगे? हे आत्मन, जन्म जन्म भगवान को पाने के लिए तुम सब कुछ छोड़ने के लिए इच्छुक थे, अब भगवान को पाने के बाद तुम कहीं विनाशी धन संपत्ति के पीछे भाग तो नहीं रहे हो? ब्राह्मण जीवन देवताई जीवन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हें तीनों लोक तीनों कालों का ज्ञान परमात्मा मिलन की प्राप्ति का अनुभव है, जिससे देवताएं भी वंचित हैं। यह जानते हुए भी अपने ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठताओं को अगर अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण बनकर भी क्या किया? हे आत्मन, देह के चमड़े के रूप रंग को देख देख कर तुम पतित बन गए हो, अब भगवान द्वारा तीसरा नेत्र मिलने के बाद भी यह चमड़े का रूप रंग तो नहीं देखते हो? अगर यही देखा तो तीसरा नेत्र प्राप्त करके क्या किया? हे आत्मन, रोज अमृत पीले स्वयं भगवान परम धाम छोड़कर तुमसे मिलन मनाने, तुम्हारा समाचार सुनने, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करने आते हैं। पर तुम उनसे मिलने के बजाय कहीं अलबेलेपन में सोए तो नहीं रहते हो? सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहते अगर सफलता का अनुभव नहीं किया तो जन्मसिद्ध अधिकार को प्राप्त करके क्या किया? हे आत्मन, कर्मातीत बनने के लिए तुम्हें निरंतर योग में जाना होगा। अगर कर्म के बहाने से यह कहो कि हमें योग के लिए फुर्सत नहीं, तो तुम कर्मातीत कैसे बनोगे?